लॉकडाउन के दौरान जहां शासन और प्रशासन व्यवस्था को देख रहा है, वहीं सत्यप्रकाश जरावता ने पटौदी बाजार का दौरा किया और दुकानों के बाहर खड़े होने के लिए लोगों की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंस, मास्क और दुकानदारों से बातचीत करते हुए बाजार का दौरा किया। इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सत्यप्रकाश जरावता ने कहा कि पटौदी में शासन और प्रशासन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और लोगों का सहयोग मिल रहा है और हम सब मिलकर कोरोना के साथ बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूर जो अपने घर जाना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था की जा रही है और यहां पर उनके लिए खाने इत्यादि की व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है। वहीं विपक्ष जहां भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि यह समय कार्य करने का है और मैं काम कर रहा हूँ, विपक्ष के बेहुदा सवालों के जवाब देने का नहीं। दुकानें खुली हुई है और लोग बहुत ज़्यादा आवश्यक है तभी निकल रहे हैं, पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन है। और मैं पटौदी वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि इस महामारी से हमने पटौदी को, आपने सबने मिलकर इस महामारी से मुक्त किया है। और मैं निवेदन भी करना चाहूँगा अपने क्षेत्र के वासियों से, सभी लोगों से, कि आने वाले समय में भी हम इसी तरह धैर्य बनाए रखें और बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो तब तक घर से ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कहीं भी कोई ढील या कोताही यदि हमें नज़र आई तो ये ढील भी वापस ली जा सकती है। अभी कोरोना महामारी की वजह से जीवन शैली में जो बदलाव आया है, आगे तक आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमें किस तरह से जीवन शैली को चेंज करना पड़ेगा? देखिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि कुछ समय तक, आने वाले करीब, ये तो पक्का वैज्ञानिक ही बताएंगे, लेकिन हमारा ये मानना है कि कुछ चीज़ें हमें अपने जीवन में स्वीकार कर लेनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, फेस मास्क, ये इस तरह की चीज़ें हमें अपने जीवन में अंगीकार कर लेनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से पुरानी जो बीमारियाँ होती थी ट्यूबरक्लोसिस को लेके, उसी तरीके से या अस्थमा की बीमारी से, ये बात सबके समझ में आ गई है कि कोरोना एक महामारी है और ये संक्रमण वाली बीमारी है, सबको इससे बचाव करना होगा। और इसका यही है, ये समझा जाए कि सामने वाले व्यक्ति को करना हो सकता है, उसे डरना भी नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन बचाव जरूर करना है, उससे लड़ना है।